क्या ये मुमकिन है कि ये एक कार्ड 30 लाख लोगों को माल न्यूट्रिशन से बचा सकता है? मैं समझाता हूँ। हर साल यूएसए में 24 करोड़ टन का खाना प्रोड्यूस होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से 1/3 खाना वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 150 बिलियन पोटेंशियल मील सीधा कचरे में जा रहा है, जबकि 4.4 करोड़ अमेरिकन भूखे रह जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना वक्त लग गया। एवन से मिलिए, फिलाडेल्फिया का एक कॉलेज स्टूडेंट। मैंने इसकी शुरुआत एक स्टूडेंट के तौर पर की, जब मैंने देखा कि मेरे डाइनिंग अकाउंट में बहुत सारे मील स्वाइप्स बाकी हैं और मेरा टर्म भी खत्म होने को आ रहा है। 50 मील्स बच गए थे जिन्हें मैं कभी यूज नहीं करने वाला था और अब वो बस वेस्ट होने जा रहे थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सारे मील स्वाइप करके अपने कार में भर दूं। मेरी कार सारे लेफ्ट ओवर मील स्वाइप से फुल हो गई है। ये खाना उन सभी लोगों को मिलेगा जो फिलाडेल्फिया में भूखे पेट रह जाते हैं। ये शायद आज उनके पूरे दिन का पहला मील होगा। मुझे इस काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए लगभग 2-3 साल लग गए। हर कोई हमसे जुड़ने लगा। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद बहुत से लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं। इसी के साथ एवन के ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग एक्सेस की शुरुआत हुई, जिनका मिशन है लेफ्ट ओवर फूड को वेस्ट होने के बजाय उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी जरूरत है। ये फिलाडेल्फिया के हर एक जरूरतमंद की मदद करते हैं। मेरे पीछे हमारा पहला वेयर हाउस है। ये कभी बॉक्सिंग जिम हुआ करता था। हमने इसे डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी में बदल दिया, जहां हम बड़ी अमाउंट में फूड को मूव करते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन को मेंटेन कर पाना बहुत महंगा पड़ रहा था। एवन और उसकी छोटी सी टीम के लिए ये मेंटेन करना सच में बहुत मुश्किल था। इसमें कोई पैसा नहीं है। मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना ही था। मैंने जिस चीज की शुरुआत की थी उसे ऐसे ही बंद नहीं कर सकता था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। तब हमें 20 फिलैंथ्रोपी का ख्याल आया और हमने उन्हें ये आइडिया पिच किया। हे, हम 20 फिलैंथ्रोपी के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो मैंने डैरन को फिलाडेल्फिया भेजा ताकि वो वहाँ की सिचुएशन को देख सके, और उसने एवन के साथ वीकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट भी किया। ये मालकम एक्स पार्क है। हम यहाँ पिछले 3 साल से हर सैटरडे को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ की फैमिलीज के लिए ये एक रूटीन बन गया है, जहाँ वो आते हैं और अपने लिए ग्रोसरीज ले जाते हैं। लोगों की भलाई के लिए एवन जो कुछ कर रहे हैं उसे देखने के बाद हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा ये डिसाइड करने के लिए कि हाँ, हम शेयरिंग एक्सेस के साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिल सके। इस गोल को अचीव करने में उनकी मदद करेंगे। आज हम एक साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं जिससे ऐसे लाखों अमेरिकन्स को खाना मिल सकेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। तो इसके लिए एवन डैरन को अपने एग्जिस्टिंग वेयरहाउस ले गया। ये मिड अटलांटिक रीजन का लार्जेस्ट मार्केट है। यहाँ पर 18 ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस वेंडर्स हैं जो 7 लाख स्क्वायर फुट वेयरहाउस में ऑपरेट करते हैं। हम अब एक असली कंपनी बनते जा रहे हैं और अब हमारे पास 30 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और हम 19 डिफरेंट स्टेट्स में फूड को वेस्ट नहीं होने देते। जो भी खाना हमें मिलता है उसे अब वेस्ट लैंडफिल जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपना ऑपरेशन इस तरह डिजाइन किया है कि बॉक्स में होने वाली हर चीज को अच्छे से देखा जाता है और खराब होने पर ही फेंका जाता है। जो अच्छा खाना है उसे पैक करके उसी दिन कम्युनिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब से शेयरिंग एक्सेस ने अपना ऑपरेशन इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से शुरू किया, तब से आज तक उन्होंने 60 लाख किलो से भी ज्यादा फूड न सिर्फ बचाया बल्कि अपने नेबरिंग स्टेट्स में भी रीडिस्ट्रीब्यूट किया। हालांकि एवन की नजर उससे भी बड़े गोल पर थी, तो हमने भी एक बड़ा कदम उठाया जिसके लिए शेयरिंग एक्सेस को जरूरत थी। हंट्स पॉइंट प्रोड्यूस मार्केट की, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूस मार्केट है न्यूयॉर्क में, और ये ऑपरेशन फिली से 3 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला था। तो डैरन और एवन न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे, जहां वो हंट्स पॉइंट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन कर सके। तो जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो उस जगह का मैग्नीट्यूड देखकर मैं हिल गया। ऐसा लगा जैसे मैं यहां पर एक चींटी जैसा हूं। पर मैं खुश था कि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जो फूड प्रॉब्लम को एक बड़े स्केल पर कम कर सकता है। एक साल की मेहनत और प्लानिंग के बाद अब टाइम था हंट्स पॉइंट में रिकवरी सेंटर ओपन करने का। ऑलराइट डैरन, थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। चलो करते हैं, लेट्स गो। एवन के साथ रिबन काटने के बाद ये एहसास हुआ कि ये प्रोग्राम कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है। ये किसी जबरदस्त चीज की एक छोटी सी शुरुआत है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत वक्त लगा, हमने बहुत मेहनत की, और अब ये सब पूरा होते देख मैं सच में बता नहीं सकता सब कितने खुश हैं।
हंस पॉइंट से मदद मिलने के बाद अब टाइम था शेयरिंग एक्सेस को अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट करने का, जो कि उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार किया। तो जब तक वो ट्रक लोड करते हैं, मैं आपको आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताता हूँ, आईबॉटा। आईबॉटा एक मोबाइल ऐप है जो कैशबैक देता है उन चीजों पर जिन्हें आप परचेस करते हैं। वो उन गरीब लोगों की मदद करते हैं जिन्हें दो वक्त का खाना नहीं मिलता और वो एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस साल आपकी फैमिली को थैंक्स गिविंग पर एक फ्री मील देना चाहते हैं। आईबॉटा ऐप डाउनलोड करें और अपनी मनपसंद चीजों की परचेसिंग पर 100% कैशबैक का मजा उठाएं। प्लस कैशबैक हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि आईबॉटा ऐप, वेबसाइट और ब्राउजर एक्सटेंशन पर। एक एवरेज सेवर की कमाई $120 होती है, वो भी हर साल। ऐसे लोगों के कारण ही हम इस काबिल बनते हैं कि शेयरिंग एक्सेस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद कर सके जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। यहाँ पर मैं एक शाउट आउट दूंगा रॉबिनहुड चैरिटीज को, जिन्होंने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पर शेयरिंग एक्सेस को न्यूयॉर्क सिटी में एक्सपांड करने के लिए मदद की, और मैं उनके बिना ये नहीं कर पाता, तो थैंक यू सो मच आईबॉटा और रॉबिनहुड आपके सपोर्ट के लिए। अब चलो और खाना बांटते हैं। ये है एन हचिनसन स्कूल। ये एक एलिमेंट्री स्कूल है जो ब्रॉन्क्स में है, और हम यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि फाइनली हम न्यूयॉर्कर्स को वो सेवा दे सकें जिसे हमने हंट्स पॉइंट से शुरू किया था। फाइनली हम उन लोगों की मदद करने जा रहे हैं जिन्हें आप देखते आए हैं। जब हमने पहली बार 2.5 साल पहले बीस्ट फिलैंथ्रोपी स्टार्ट किया था, तो हमारा गोल था 1 साल में 4 लाख लोगों को खाना खिलाना। अब हम पर मंथ 20 लाख से भी ज्यादा मील्स देंगे, और ये तो बस शुरुआत है। बहुत सारे लोग आए अलग अलग कम्युनिटी से, और यही देखकर अच्छा लगता है। फूड की वैल्यू को लेकर लोग कितने समझदार हैं, ये उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर ही समझ में आता है। बड़े बूढ़े बच्चे सबके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन देखकर हमारा तो दिल ही पिघल गया। अगर आपको फूड पसंद है तो साथ कहो ये। सच कहूं तो मैंने अपनी लाइफ ऐसी नहीं सोची थी, पर अब यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। जब मैंने शेयरिंग एक्सेस शुरू किया, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। बस इतना पता था कि मुझे अच्छा लगेगा, और दूसरों के लिए करना तो और भी अच्छा लगता है। हमने अब तक 1,30,00,000 किलोग्राम का फूड बचा लिया है, लेकिन सच कहूं तो ये बस एक शुरुआत है। बीस फिलैंथ्रोपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हुए हम बस यही चाहते हैं कि इसका असर पूरे वर्ल्ड में हो, और शेयरिंग एक्सेस की ह्यूमैनिटी के लिए जो भावना है वो सब में आए। अगर मैं कुछ स्टार्ट कर सकता हूं, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जितना टाइम आपको ये वीडियो देखने में लगा, उतने वक्त में बीस फिलैंथ्रोपी और शेयरिंग एक्सेस ने लगभग 130 किलो खाना बचा लिया है। यही कारण है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि शेयरिंग एक्सेस, जो दुनिया भर में बदलाव लाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके बिना नहीं हो पाता, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपका फोन उड़ा दूंगा, इसीलिए चलो अभी करो।